गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर बार 10 डेज का या 7 डेज का करंट अफेयर दूंगा, तो आज मैं आपको करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनका करंट अफेयर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो देखिए कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। चलिए पहली घटना के बारे में हम बात करते हैं, बैंकर ऑफ द ईयर 2022, यानी 2022 में किस बैंक को बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो केनरा बैंक को बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा केनरा बैंक, ठीक है। तो बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, केनरा बैंक को दिया गया है। पैरा ओलंपिक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है 2022 अवनी लेखरा को दिया गया है। पैरा ओलंपिक मतलब जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए अवनी लेखरा को दिया गया है पैरा ओलंपिक प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। इसका अवार्ड किसने जीता है, अवनी लेखरा ने। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम बने हैं चुनाव के बाद, सुखविंदर सिंह बने हैं, और गुजरात के कौन बन गए हैं फिर से दोबारा, भूपेंद्र पटेल। हॉर्नबिल एक फेस्टिवल है जो कि कहां आयोजित किया जाता है, नागालैंड में, और ये कौन से नंबर का हॉर्नबिल फेस्टिवल है, 23वें नंबर का हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो कि नागालैंड में आयोजित किया गया। अग्निकुल कॉस्मोस, ये क्या चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अग्निकुल कॉस्मोस इसके बारे में फिर से ध्यान से सुनिए, अग्निकुल कॉस्मोस एक वर्ड ये ध्यान रखिएगा, और एक वर्ड ध्यान रखिएगा आप स्काई रूट एरोस्पेस। तो दो प्राइवेट एजेंसीज हैं जो कि रॉकेट को लॉन्च करती हैं, एक का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस हमारी पहली प्राइवेट कंपनी थी, जो कि नवंबर माह के करंट अफेयर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि स्काई रूट एरोस्पेस ने अपना पहला रॉकेट विक्रम एस के नाम से लॉन्च कर दिया है, जो कि 3 पेलोड लेकर के ऊपर गया था नवंबर महीने में, ये मैंने आपको बताया था। अब दूसरी प्राइवेट कंपनी है जो कि रॉकेट को लेकर के जाएगी, और उस कंपनी का नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये दोनों कंपनी का नाम आप लोग याद कर लीजिए, वन इज अ अग्निकुल कॉस्मोस एंड अदर इज अ स्काई रूट एरोस्पेस। अग्निकुल कॉस्मोस किस रॉकेट को लेकर के जाएगी, उस रॉकेट का नाम है, देखिए उस रॉकेट का नाम मैंने लिखा, एक तो विक्रम एस हो गया जो कि स्काई रूट एरोस्पेस, और अग्निकुल कॉस्मोस किस रॉकेट का निर्माण करेगी, अग्नि बाण। अभी इसने अग्नि बाण रॉकेट का निर्माण नहीं किया है, चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि दिसंबर माह के लास्ट तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में अग्नि बाण नामक रॉकेट का ये प्रक्षेपण करेगी। ये एक प्राइवेट कंपनी है, और इस कंपनी में सबसे खास बात क्या है, इसने खुद का लॉन्च पैड बनाया है। इसे लॉन्च पैड का मतलब वो जगह जहां से रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है। हम जानते हैं कि ये जो अभी स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एस को प्रक्षेपित किया था, ये इसने कहां से, मतलब हरिकोटा से प्रक्षेपित किया था आंध्र प्रदेश के, तो इसका खुद का लॉन्च पैड नहीं था, लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस ने अपना खुद का लॉन्च पैड बनाया है। तो ये खास बात है, अग्निकुल कॉस्मोस ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में खुद का लॉन्च पैड बनाया है जहां से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। देखिए विराट कोहली को नॉइज कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नॉइज जो कि एक कंपनी है जो कि स्मार्ट वॉच बनाती है और भी चीजें बनाती है। फिर मेघालय में भारत की पहली ड्रोन हब प्रणाली, इसका क्या मतलब है, ड्रोन के द्वारा सामान पहुंचाए जाएंगे, जैसे किसी को कुछ वेपन्स की आवश्यकता है या किसी को इंजेक्शन की आवश्यकता है, किसी को मेडिकल क्योर की आवश्यकता है, तो ड्रोन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो ये प्रणाली मेघालय में शुरू की गई है, मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा है। चलिए ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इसे अभी विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। अब यहाँ पे कुछ पुस्तकों के नाम है जो इन्होंने लिखी है, मिरेकल ऑफ फेस योगा, यानी चेहरे से क्या आप चमत्कार कर सकते हैं, ये एक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है, मानसी गुलाटी ने लिखी है। फिर है दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर, ये पुस्तक किसने लिखी है, हरदीप सिंह पुरी ने लिखी है। विनिंग द इनर बैटल, अपने अंदर की आत्मा को जीतना, ये पुस्तक लिखी है सेन वॉटसन ने लिखी है। अब देखिए डीजी सुविधा क्या है, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपका सामान चेक होता है, तब आप अंदर जा पाते हैं। लेकिन अभी हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिराज सिंधिया, एविएशन मिनिस्टर हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, इन्होंने ज्योतिराज सिंधिया ने क्या कहा है कि भाई अगर आपका चेहरा एक बार स्कैन हो जाए और आपकी आइडेंटिटी उस चेहरे से पता चल जाए, आप हाथ रखेंगे आपका चेहरा पूरा स्कैन हो जाएगा, और स्कैन होने के बाद आइडेंटिटी हो जाएगी कि हाँ ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, देन आपको एंट्री दे दी जाएगी। तो इसी सुविधा को कहते हैं डीजी सुविधा, यानी फेस रिकॉग्निशन टेक्निक, फेस रिकॉग्निशन जो टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड डीजी सुविधा। इसमें ये 3 एयरपोर्ट पे लागू की गई है, वाराणसी, बैंगलोर और दिल्ली में। अच्छा याक एक पशु है जो कि आपको पता है, अक्सर आपको हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वाले इलाकों में दिखाई पड़ जाएगा, बड़े बड़े बाल होते हैं,
तो ये जो याक पशु है इसकी संख्या लगातार घटती जा रही थी, तो इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए या इसकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने इसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। मतलब अब इसकी मीट को आप खा सकते हैं, तो आप कहेंगे मीट को खा सकते हैं तब तो इसकी संख्या और कम हो जाएगी। जी नहीं, जब किसी पशु को मीट की संज्ञा दे दी जाती है तो लोग उसको पालने लगते हैं, उसका व्यापार करने लगते हैं, साथ ही डेयरी उद्योग दूध, इसके दूध को भी डेयरी में सम्मिलित किया गया है। तो जाहिर सी बात है लोग याक को पालेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा दूध होगा, ज्यादा मांस होगा और इससे इनकी जो घटती हुई संख्या है वो कंट्रोल हो जाएगी। देखिए अग्नि वॉरियर एक युद्ध अभ्यास है जो कि किसके बीच कहां पर शुरू हुआ है, महाराष्ट्र के देवलाली में शुरू हुआ है और भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास और नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास बताया था। नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच में, हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और मलेशिया के युद्ध में। इसी तरह से अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास किसके बीच में शुरू हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच शुरू हुआ है। इसी तरह से सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में होता है। और युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास ये भी भारत और यूएसए के बीच में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है युद्ध, मतलब इस युद्ध अभ्यास का नाम ही बेटा युद्ध अभ्यास है। देखिए युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास कहां पे शुरू हुआ है, उत्तराखंड के औली में। चाइना इसका विरोध कर रहा है क्योंकि उत्तराखंड के औली से चाइना की सीमा टच करती है और यूएसए के एयरक्राफ्ट और ये भारत के एयरक्राफ्ट यहां पर युद्ध अभ्यास लगातार कर रहे हैं। यहां की सेना के मध्य युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है, जिसमें नंदा देवी उत्तराखंड की जो चोटी है उसमें यूएसए के सैनिक चढ़े भी, तो इसलिए चाइना इसका लगातार विरोध कर रहा है कि यूएसए और भारत मिलकर के क्यों मेरे बॉर्डर पे युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। भाई मेरा बॉर्डर, मैं अपनी सीमा के अंदर युद्ध अभ्यास कर रहा हूं, चाइना को क्या दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन चाइना की तो एक आदत है कि एक एक कदम करके आगे बढ़ने की पॉलिसी। चाइना तवांग पे अपना दावा करता है, चाइना अक्साई चीन के आगे जो लद्दाख वाला एरिया उसमें अपना दावा करता है, उत्तराखंड के भी कई इलाकों पर अपना दावा करता है, ठीक है। चाइना की सीमा जिन जिन देशों के साथ लगती है उन उन देशों के साथ उसका लगातार विवाद बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, पराक्रम युद्ध अभ्यास ये कहां पे शुरू हुआ है, ये आपका शुरू हुआ है राजस्थान में। मेघना अहलावत, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि पहली बार टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की कोई महिला अध्यक्ष बनी है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत, ये नाम याद रखिएगा। मेघना अहलावत ये आपकी हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की वाइफ है। चलिए नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, सावी केमी बने हैं नाबार्ड के अध्यक्ष। नाबार्ड जो कि नेशनल बैंक अथॉरिटी रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना कहां पर हुई है, मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई है 1982 में। जैव विविधता जो कि बायोडायवर्सिटी कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, अलचेंद्र रेड्डी बने हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, बैकवर्ड कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, हंसराज गंगाराव अरिहर बने हैं, अरिहर सॉरी। अंधों के लिए T20 वर्ल्ड कप, अंधों के लिए T20 वर्ल्ड कप 5 दिसंबर से शुरू हुआ है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका उद्घाटन कर दिया गया है और ये तीसरा संस्करण है, ठीक है, और पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ये 5 से 17 दिसंबर तक चलने वाला है। देखिए संगम युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए की नौसेना के बीच हुआ है, कहां पर हुआ है बेटा, गोवा में हुआ है। जैसे मैंने कई युद्ध अभ्यास बता दिए, एक युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच अभी मैंने बताया था जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास था, जो कि उत्तराखंड के औली में हुआ था, ठीक है। और यहां पर मैंने कौन सा युद्ध अभ्यास बता दिया, भारत और संगम युद्ध अभ्यास। यहां पे संगम युद्ध अभ्यास, मैंने पराक्रम युद्ध अभ्यास बताया, संगम युद्ध अभ्यास बताया, युद्ध अभ्यास बताया, तो ये सारे युद्ध अभ्यास याद रखिए। हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास बताया, नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास बताया, तो ये सब याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, इसमें सिंगापुर की रैंक 1 है और भारत की रैंक क्या है, 48। इसका मतलब है कि हमारा एविएशन, जो एविएशन सेफ्टी रैंकिंग है, जो हम एरोप्लेन लैंड करते हैं उड़ाते हैं तो उसमें कितनी सेफ्टी रहती है, तो इसके मामले में सिंगापुर के जितने प्लेन है उनको रैंक 1 दिया गया है, ठीक है। माता मृत्यु दर, इसका क्या मतलब होता है, देखिए समझ लीजिए, 1,00,000 जीवित व्यक्तियों के प्रति कितनी माताएं जीवित रहती हैं और कितनी मर जाती हैं, इनका औसत निकाला गया, तो 1,00,000 जीवित व्यक्तियों के प्रति वर्तमान में जो माता मृत्यु दर है वो कितनी हो गई है, 97 हो गई है। इससे पहले कितनी थी, 2018-19 में अगर बात करते हैं तो 134 थी, यानी 1,00,000 जीवित बच्चों के प्रति कितनी माताएं मर जाती थी, 134। वर्तमान में ये संख्या घट के 97 हो गई है। केरल में माता मृत्यु दर सबसे कम है और असम में माता मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, ठीक है। गोवा में लोसान महोत्सव मनाया गया, 1 दिसंबर को आप जानते हैं एड्स दिवस मनाया जाता है, बीएसएफ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन।
2 दिसंबर को पर्यावरण सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अभी सारे दिवस मैं आपको एक बार पढ़ाऊंगा पूरे, अभी यहाँ पे कुछ दिवस लिख दिया याद कर लीजिए। 4 दिसंबर को जैसे नेवी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 2 दिसंबर को पर्यावरण सुरक्षा दिवस मनाया जाता है क्योंकि 2 दिसंबर की रात को ही भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी और इसीलिए 3 दिसंबर की सुबह काफी लोग उसमें मर गए थे। आपको पता है मिथाइल आइसोसाइनेट लीक कर गया था, इसीलिए पर्यावरण सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और रहने के लिए सबसे महंगा शहर जो है वो न्यूयॉर्क को माना गया है और सिंगापुर, दोनों को एक साथ रैंक 1 पे रखा गया है, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर दोनों ही। यहाँ न्यूयॉर्क मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सही ठीक है। भारत का बेंगलुरु जो कि रहने के लिए मैंने वर्ल्ड में बता दिया न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है, और भारत में कौन सा नंबर 1 पर है, बेंगलुरु, जिसकी रैंक कितनी है 161वीं, उसके बाद चेन्नई 164वीं और अहमदाबाद का 165वीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो 1 से 10 दिसंबर की जितनी करंट अफेयर मैंने बताया, तो मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।